अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाजियाज लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक ब्लॉग लेकर आई हूँ और होप सो आपको पसंद आएगा। तो अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो इस वजह से मेरा फेस और मेरी आईज ऐसी लग रही होंगी आपको। तो अभी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारे यहाँ, डोसा इडली और चटनी। सांभर अभी नहीं बनाया, सुबह सुबह सांभर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अभी, इस वजह से इडली और डोसा और वो है चटनी। तो अभी आपको दिखाती हूँ आगे, और आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, होप तो आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। यहाँ पे इडली हो रही है एक तरफ चटनी बन चुकी है उसकी, तो एक तरफ चटनी भी देखिए आप रेडी हो चुकी है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। तो अभी थोड़ी देर में बस डोसे भी बन रहे हैं और हम लोग खाने बैठेंगे, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी डोसा, एक ट्राई कर रही थी। मैं ज़्यादा डोसे बनाती ही नहीं हूँ एक्चुअली, इस वजह से मैंने आज ट्राई किया है। और देखिए आप मेरी हालत भी देख सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बस सोकर उठी थी, ब्रश किया था, नाश्ता बस करने ही जा रहे थे हम लोग। अभी हमारी इडलियाँ निकलने जा रही हैं, तो गरम गरम है तो गरम में गरम खाने में मज़ा भी आती है। अभी हम लोग इडली खाने बैठे हुए, आइए आप भी खाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, मम्मा भी बैठे हुए। हम लोग फटाफट नाश्ता करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। और मैंने एक छोटू सा मिनी डोसा बनाया है मम्मी के लिए, मम्मी से पूछते हैं कैसा है, वो क्रिस्पी तो नहीं बनाया है फॉर श्योर, देखते हैं अभी। मम्मी मिनी डोसा बनाया, मैंने बहुत ज्यादा छोटा बना दिया, चम्मच छोटा लिया था तो इस वजह से इतना छोटा आ गया, बन गया। मतलब मैं बहुत कम डोसे बनाती हूँ। मम्मी बोले कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देखिए मम्मी मैं इतना डोसा बनाती नहीं, तो मेरे को आदत नहीं है। पापा के आपके डोसे का क्या इडली बनी मम्मी, और जो इसकी चटनी है वो तो बहुत ही अमेजिंग बनी है। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, और एक डोसा देखिए, फ्रेश डोसा हम लोग का निकल कर आ जाए। तो ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बन के आया है, मेरी मम्मी का एकदम पतला पतला लेकिन तब भी चलो ट्राई करा, फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए। अमेजिंग, हम लोग को बहुत पसंद है इडली डोसा, हम लोग रोज नाश्ते में, तो रोज नाश्ते में खाएंगे हम लोग। अभी पौने, नहीं मम्मी मुझे नहीं खाने का, मैं देख लूंगी वहां पे अगर कुछ रहेगा तो मैं लेकर आऊँ। तो अभी 4:15 बज रहे हैं और मेरी सिस्टर आ रही है, मैं और मेरी सिस्टर हैं, वो जा रहे हैं थोड़ा दुपट्टा और प्लाजो वगैरह जो भी रहेगा। मम्मी वहां पे अच्छा नहीं लगता मुझे बनाने मम्मी बोल रहे वहां मार्केट में ही बनाना, वहां रश होता है ना, इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं होती है बनाने। तो चलिए मैं इंशाल्लाह भी होकर आती हूँ अपनी सिस्टर के साथ। तो हम लोग को मॉल भी आना था कुछ काम से, तो मैं और मेरी बड़ी बहन मॉल भी आए थे, और थोड़ी बहुत हम लोग ने यहाँ पे प्लास्टिक का एक्चुअली हम लोग को एक चीज़ लेनी थी वो, और थोड़े बहुत हम लोग ने नाश्ते के सामान भी लिए थे, और थोड़ा सा मैंने शूट भी कर लिया था। मैंने सैंटा क्रूज़ मतलब जो मैं मार्केट गई थी वहाँ शूट नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा रश था और मैं थोड़ी कम्फर्टेबल नहीं थी वहाँ शूट करने में, इस वजह से यहाँ पर एक्चुअली मेरी सिस्टर को कोल्ड क्रीम चाहिए थी, और यहाँ पे कुछ हम लोग बिस्किट्स वगैरह भी देख रहे थे। और यहाँ पे काउंटर में मैं यहाँ पे इनसे पूछ रही थी कि मैं वीडियो आप लोगों की भी बना सकती हूँ, तो ये व्लॉगिंग की बात चलने लगी हमारे बीच में। और जो यहाँ पे कैश काउंटर में खड़े थे वो भी एक यूट्यूब चैनल है उनका, तो वो हम लोग बात कर रहे थे और मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आप लोगों को ले सकती हूँ क्या, बस यही सारी बातें हो रही थी हम लोगों के बीच में, और बिलिंग भी साथ साथ हो रही थी। अब मैं आपको डायरेक्ट घर पर मिलती हूँ।
हमने पानी पूरी भी खाई। अब आइसक्रीम की बारी, पानी पूरी में हमने शूट नहीं किया क्योंकि मैं भी पानी पूरी खा रही थी, और आइसक्रीम सिर्फ मेरी सिस्टर ने खाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड था इस वजह से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे थे मॉल में, तो आप लोग भी अगर चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग भी। रिलायंस रेट, नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और समथिंग, बस मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी वैसे भी क्रिसमस है तो हर तरफ ज़्यादातर डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं। और ये जो जो आइसक्रीम दे रहे थे, ही वॉज़ वेरी स्वीट, मतलब मेरे से भी पूछ रहे थे कि आप व्लॉगिंग करते हो, बेचारे वो भी यूट्यूब पे थे और उनके भी मतलब छोड़ छोड़ दिया था उन्होंने फिर, तो बस वो भी आइसक्रीम दे के थोड़ी बहुत उनसे भी बात करी हम लोगों। अभी हम मैं लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आ चुकी हूँ और हमारी सिस्टर बना रही है कढ़ी जो बहुत अच्छी बनाती है। एक तरह मसाला हो रहा है, यही कर रही मैं आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए, और थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा रही हूँ इसकी मैं। तो ये कढ़ी का घोल तैयार हो रहा है, ये चावल और ये कढ़ी का मसाला हो गया ना। हमारी कड़ी चला के दिखाइए खुशबू जी, कैसे बनी है? एक नंबर माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर तो एक नंबर आया है अभी, और इंशाल्लाह खा के भी आपको दिखाएंगे। इसकी तो रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, व्लॉग मिलेगा तो मैं डाल दूंगी, व्लॉग में ही करी थी मैंने। हाँ भाई, जो अब जो पकौड़े हमने तले थे वो अब जाएंगे कढ़ी के अंदर। अब ये मैं सोचूँ, एक फ़ोन से बना रही हूँ, एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ, मैं इसको डालूँ कैसे? तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम लोग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नंबर। अब मैं इसको मिलाऊँगी क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया थोड़ा रेस्ट, बाकी के काम मैंने किए हैं। और देख सकते हो कितनी बढ़िया माशाल्लाह से लग रही है कढ़ी। कढ़ी का कढ़ी की बात ही अलग है, मुंबई में इतनी सर्दी तो है नहीं भाई, जो लोग बोलेंगे कि तू ठंड में कढ़ी खा रहे हो, हम तो कढ़ी बारो मास खाते हैं। अभी इसको लगेगा भगार। सो अभी मेरे भाई लोग लोनावला से आए हैं, दस बज गए हैं, मेरे भाई नहीं, मेरे भाई मेरे हस्बैंड, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मतलब बहुत ही तेज भूख लग रही है, मतलब पेट में चूहे और बिल्ली। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि कड़ी बनी, और कड़ी तो जब बनती है तो मतलब मेरा तो ऐसा, और खुश मेरी बहन के हाथ की, तो मतलब चार चांद। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कड़ी की शक्ल। ये पकड़ने का था, ये नहीं कर सकते। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करूंगी। होप्स आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए, और उनसे भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और मैं दूसरी वीडियो में लूंगी, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।